शहर के बाहर एक जगह पर रोबोट की लड़ाई लगाई जाती थी। कुछ लोग मनोरंजन के लिए रोबोट की लड़ाई देखने आते तो कुछ लोग रोबोट पर पैसे लगाते थे। रमेश अपना जेसीबी रोबोट हमेशा लड़ाई में लाता था। जेसीबी रोबोट हमेशा जीत जाता था। रमेश ने इसी कारण काफी पैसे भी जमा किए थे, पर कुछ दिनों से जेसीबी रोबोट हर लड़ाई हार रहा था। इस जेसीबी रोबोट को क्या हुआ है, हर बार मैं हार रहा हूँ। इस बार तो इस किशोर का रोबोट जीत गया। मैं मेरे दुश्मन को ऐसे जीत कैसे मनाने दे सकता हूँ। रमेश किशोर की जीत से जलने लगा था। किशोर भी रमेश का मजाक उड़ाता है। अरे रमेश, अब तू रिटायरमेंट ले ले, तेरा रोबोट पुराना हो चुका है और तू बूढ़ा। हार की वजह से अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। ज्यादा मत हंस किशोर, मैं मेरे जेसीबी को फिर से लड़ाई के लायक बनाऊंगा और तेरा सारा गुरूर निकाल कर रख दूंगा। रमेश अपने जेसीबी रोबोट को लेकर घर आता है। वो जेसीबी रोबोट को ठीक करता है। उसकी बीवी रोबोट लड़ाई से परेशान हो गई थी। वो उसे लड़ाई करने से मना करती है, पर उसकी वो एक भी नहीं सुनता। फिर से रोबोट लड़ाई का दिन आता है। उस दिन किशोर अपने ट्रक रोबोट के साथ वहां आता है। तब रमेश को देखकर किशोर कहता है, लगता है तुमने अपने रोबोट को नया बना दिया, पर रमेश आज भी मेरा ही रोबोट जीतेगा। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अच्छा, इतनी अकड़? तो फिर लड़ाई भी खास होनी चाहिए। जो जीतेगा उसे हारने वाला अपनी सारी प्रॉपर्टी देगा। रमेश, आज इस लड़ाई में तुझे बर्बाद ना कर दिया तो मेरा भी नाम किशोर नहीं। किशोर रमेश के सामने शर्त रखता है और रमेश उसे मान भी जाता है। जेसीबी रोबोट और ट्रक रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले पहले जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को खूब पीटता है, पर कुछ देर बाद अचानक से जेसीबी रोबोट कमजोर हो जाता है। ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट के दो टुकड़े कर देता है, जिस वजह से किशोर जीत जाता है और रमेश हार जाता है। किशोर रमेश के पास जाकर कहता है, पुराने जेसीबी के डिब्बे को कितना भी पेंट लगा दो, पर वो पुराना ही रहेगा। रमेश, तू तो कंगाल हो गया। रमेश इस हार से पूरा टूट जाता है। जेसीबी के टुकड़ों को लेकर वो घर वापस आता है। रमेश किशोर के शर्त के बारे में अपनी बीवी को बता देता है। तब ये बात सुनकर उसे सदमा लगता है और उसे दिल का दौरा पड़ता है। रमेश जैसे तैसे उसे अस्पताल में भर्ती करता है। दूसरे दिन किशोर रमेश के घर आता है और कहता है, रमेश, कल के शर्त के अनुसार आज तुझे ये घर छोड़ना होगा। लेकिन किशोर, मेरी बीवी अस्पताल में है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना और जानना, अभी के अभी घर से 9:00-11:00 हो जाओ, समझे। तब किशोर रमेश को धक्के मारकर घर से बाहर निकालता है। किशोर के पास कुछ नहीं था, बस बचा था तो जेसीबी रोबोट के टुकड़े। जब ये बात उसके बेटे सुंदर को पता चलती है तो वो तुरंत गांव आता है। अस्पताल के बाहर वो रमेश से मिलता है। तब रमेश उसे सारी बात बता देता है। यह सब मेरी अकड़ के कारण हुआ बेटा। तुम्हारी माँ अस्पताल में भर्ती है और मेरे पास इलाज के पूरे पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, आपका बेटा आ गया है ना, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बुरे दिन निकल जाएंगे। रमेश की बीवी अस्पताल में थी तो रमेश और सुंदर एक किराए के मकान में रहने जाते हैं। सुंदर जेसीबी के टुकड़ों को देखता है और उस पर अपना काम करना शुरू करता है। दरअसल सुंदर रोबोटिक की ही पढ़ाई करके आया था, इसलिए उसे रोबोट की सारी जानकारी थी। जेसीबी रोबोट पर सुंदर दिन रात मेहनत करता है और जेसीबी रोबोट को पावरफुल रोबोट बना देता है। कुछ दिनों में फिर से रोबोट की फाइट होने वाली थी, तब सुंदर उस लड़ाई में हिस्सा लेता है। उस दिन किशोर सुंदर को देख लेता है और कहता है, अरे बाप से कुछ ना हो सका तो अब बेटा मैदान पर उतर आया है। पर बेटे, तू अभी छोटा है, अपने इस पुराने डिब्बे को लेकर चला जा, वरना फिर मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। नहीं नहीं, आज नहीं, मेरा ये पुराना जेसीबी रोबोट ही तुम्हारे ट्रक रोबोट को हरा देगा, यह मेरा तुमसे वादा है। जेसीबी रोबोट और ट्रक रोबोट की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है।
इस बार जेसीबी रोबोट का हर वार ट्रक रोबोट पर भारी गिर रहा था। कुछ देर की भयानक लड़ाई के बाद जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को हरा देता है। तब सुंदर किशोर से कहता है, अब हमें हमारा घर वापस दे दो, नहीं तो मैं मेरे जेसीबी रोबोट को तुम्हें मारने भेज दूंगा। तब तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेगी, सोच लो। मैजिकल खिलौना ट्रक आरसी हेलीकॉप्टर। मदन नाम का आदमी गांव गांव घूमते हुए खिलौने बेचा करता था। ले लो खिलौने, ले लो भाई खिलौने, बड़े ही अच्छे अच्छे सस्ते खिलौने ले लो। मदन की आवाज सुनकर एक बच्चा घर के बाहर आता है। उसे खिलौने बहुत ही पसंद आते हैं। वो अपने पिताजी को बुलाकर खिलौने खरीदने के लिए जिद करता है। तब वो आदमी कहता है, अरे क्यों भाई, कैसे दिए खिलौने, बहुत अच्छे दिख रहे है। भाई साहब, कोई भी खिलौना ले लो सिर्फ 10 रुपए में। क्या कहा, सिर्फ 10 रुपए? ठीक है ठीक है, लो बेटा, तुम्हें जितने चाहे उतने खिलौने ले लो। पिताजी की ऐसी बात सुनकर वो लड़का 4-5 खिलौने खरीद लेता है। उसी के साथ साथ खिलौना ट्रक भी खरीदता है और वो अपने घर चले जाते हैं। मदन हंसते हंसते मन ही मन में सोचने लगता है, आज तो इस घर में ही चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मेरा खिलौना ट्रक जो खरीदा है, पर उन्हें क्या पता कि वो मेरा खिलौना ट्रक एक मैजिकल ट्रक है जो उनका घर साफ कर देगा। मदन ऐसे ही मन ही मन में सोचकर हंसने लगता है और सीधा वहां से अपने घर चले जाता है। रात के समय में मदन फिर से उसी गांव में उस आदमी के घर के पास आता है और जादू से मैजिकल खिलौना ट्रक के साथ घर में चोरी कर लेता है। पैसे जेवर चुरा कर वो मैजिकल खिलौना ट्रक घर के बाहर आता है, जहां पर मदन उसकी राह देख रहा होता है। देखते ही देखते वो मैजिकल खिलौना ट्रक बड़ा बन जाता है। मदन पैसे और जेवर लेकर उस ट्रक में बैठकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जब सवेरे सवेरे लोग जाग जाते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि उनके घर में चोरी हो चुकी है। इस तरह वो जोर जोर से रोने लगते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तब एक गांव का आदमी कहता है, अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। इस तरह पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है। तब वहां इंस्पेक्टर महेश आता है। वो सारे घर की छानबीन करके पंचनामा करता है और उस आदमी से कहता है, घर से क्या क्या चीज चोरी हुई जरा हमें विस्तार से बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका चोरी किया हुआ सामान जल्द से जल्द मिले। वो आदमी इंस्पेक्टर महेश को चोरी की सारी बातें बता देता है। तभी उसका बेटा वहां आता है और वो कहता है, पिताजी पिताजी, वो मेरा खिलौने वाला ट्रक भी चोरी हो गया है। खिलौने वाले ट्रक के बारे में सुनते ही इंस्पेक्टर महेश चौंक जाता है। इंस्पेक्टर महेश उस बच्चे से अच्छे से पूछताछ करने लगता है। तब वो बच्चा खिलौना ट्रक के बारे में सब कुछ बता देता है। इंस्पेक्टर महेश को यकीन हो जाता है कि वो चोरी जरूर उस खिलौने वाले की ही होगी। इंस्पेक्टर खिलौने वाले की गांव में छानबीन करता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। इस तरह चोरी करने का सिलसिला दिन ब दिन गांव में बढ़ते ही रहता है और हमेशा की तरह हर चोरी में वो खिलौने वाला ट्रक शामिल रहता है। तब मदन सोचता है, जब तक मेरे पास एक मैजिकल खिलौना ट्रक है, तब तक मुझे पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। यूं चोरी करते करते बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा और यह देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। इस तरह मदन चोरी करने का सिलसिला जारी रखता है। उधर इंस्पेक्टर बहुत कोशिश करता है मदन को ढूंढने का, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाता। वो किसी भी तरह मदन को पकड़ ले इसी बारे में सोचते रहता है। तभी उसे एक दिन आइडिया आता है, अगर वो चोर खिलौने ट्रक से चोरी कर रहा है, तो मुझे भी उसे पकड़ने के लिए कुछ ऐसे ही खिलौने का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा सोचकर इंस्पेक्टर महेश एक आरसी हेलीकॉप्टर बनवाता है, जिसमें वो कैमरा छुपा कर रखता है और उस आरसी हेलीकॉप्टर से पूरे गांव पर वो नजर रखने लगता है। ऐसे में एक दिन मदन फिर से चोरी करने के इरादे से खिलौने बेचता है और फिर से वही सब होता है। रात के समय में मदन उसी घर में आता है जिस घर में उसने खिलौने ट्रक बेचा। मदन को आरसी हेलीकॉप्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। वो जैसे ही उस घर में चोरी करने जाता, अपने मैजिकल खिलौने ट्रक को वो नीचे रखते ही बड़ा बन जाता है और मदन उस ट्रक को चलाते हुए वहां से जाने लगता है। दूसरी ओर महेश आरसी हेलीकॉप्टर की मदद से यह सब देख लेता है और मदन के ट्रक का पीछा करता है। अरे, ये मेरे पीछे पुलिस कैसे लग गई, इन्हें आखिर पता कैसे चला।
ऐसा कहकर मदन अपने मैजिकल खिलौना ट्रक की स्पीड बढ़ाता है। इंस्पेक्टर महेश उसका पीछा करता है। उसी के साथ वो कंट्रोल रूम में फोन करके उसके बारे में सब कुछ बता देता है और आखिरकार आगे कुछ ही दूरी पर मदन को पकड़ लिया जाता है। आखिरकार पकड़ ही लिया तुम्हें, खिलौना ट्रक की आड़ में खुफिया चोरी कर रहे थे। इंस्पेक्टर महेश आखिरकार उस चोर को पकड़ ही लेता है और उससे चोरी किया हुआ सारा सामान जब्त कर लेता है और उसे जेल की हवा खिलाता है। और जिन जिन का सामान चोरी हो गया था उन सबको इंस्पेक्टर महेश वो सामान लौटा देता है।